नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर वन न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के मुख्य समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी। फसल को सुरक्षा कवच किसानों को निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज गेट नंबर 2 कॉलेज पाड़ा सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। एट वीदा स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस PSL इन एसोसिएशन विद HNA आर्म्स इनकॉर्पोरेशन जापान। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में ब्लैक फंगस से 2 लोगों की मौत। कोरोना महामारी के बीच सिलीगुड़ी में ब्लैक फंगस या म्यूकोमाइकोसिस से 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। सिलीगुड़ी के प्रधान नगर निवासी और गजलडोबा निवासी 2 लोगों की मौत हुई है। सिलीगुड़ी के प्रधान नगर निवासी 50 वर्षीय महिला पिछले 11 दिनों से उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती थी। उक्त महिला पहले कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई थी। कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद कुछ दिनों में उक्त महिला में म्यूकोमाइकोसिस के लक्षण दिखाई दिए। उनकी आंखें, चेहरा, नाक सूज गई थी। चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। बाद में उन्हें उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उनकी नाक की कोशिका यानी सेल को जांच के लिए VRDLA लैब भेजा गया था। 24 मई को रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अगले दिन महिला को ऑपरेशन किया गया। उसके बाद से उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के क्रिटिकल केयर यूनिट में उनका इलाज चल रहा था। इस बीच बुधवार को मौत हो गई। इस विषय पर अधिक जानकारी मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक ने दी है। खुबी दुखजनक घटना, किंतु घटनाचक्रे दुजन पेशेंटर अवस्थाई खुबी खराब छिल एवं संकटापन्न छिल। प्रथम जन तो अपनारा जानें जे 50 बचर वयस्क शिलीगुड़ी प्रधान नगरेर बासिंदा भद्रमहिला, तार अपारेशनो होयेछिल, किंतु तार आनकन्ट्रोल डायबेटिस छिल, कोनोभावेई কন্ট্রোলে আনা যাচ্ছিল না। যতই ইনসুলিন বাড়ানো হোক না কেন, মাঝে মাঝেই আনকন্ট্রোলড হচ্ছিল। তার সাথে ওনার কোভিডে লাংসেও অনেকটা ড্যামেজ ছিল পোস্ট কোভিড এফেক্টে, এবং অপারেশন সাকসেসফুলি হলেও নিরন্তর প্রচেষ্টা ছিল ENT ডিপার্টমেন্ট, ক্রিটিক্যাল কেয়ার টিম, অ্যানাস্থেশিয়া সবারই। তো সবার প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে তিনি কালকে রাত্রে, তাকে আর বাঁচানো যায়নি, মারা গেছেন। সেফটি সেমিও একটা কারণ ছিল, যাদের কোভিড হয়, যাদের CCU-তে অনেকদিন থাকতে হয়, পোস্ট অপারেটিভ প্লাস ডায়াবেটিস, সমস্ত মিলিয়ে একটা সেফটি সেমিয়ার হতে পারে কোনো পেশেন্টের। এবং যে জায়গাটা সেটা নাক, চোখ এবং ব্রেনের কাছাকাছি, তো ন্যাচারালি খুবই ক্রিটিক্যাল এরিয়া। তো তাকে সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও বাঁচানো গেল না। আর দ্বিতীয় পেশেন্ট যিনি ছিলেন, তিনি 40 বছরের কাছাকাছি বয়স্ক ভদ্রমহিলা, তিনি এসেছিলেন এবং তিনি শুরুর থেকেই তিনি কোভিড আক্রান্ত। তার COPD ছিল, ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ, মানে লাংস আগে থেকেই তার ড্যামেজ ছিল। তার আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস এবং হাইপারটেনশন, মানে ব্লাড প্রেশার বেশি ছিল, এবং তার সঙ্গে স্যাচুরেশন মাত্র 70, যেটা নর্মালি 95-এর উপর থাকার কথা। SpO2 70 নিয়ে তিনি এসেছিলেন, HDO-তে ক্রিটিক্যালি ইল ছিলেন। তার কিছু সিমটমস সাজেস্টিভ ছিল মিউকোমাইকোসিসের, তাই জন্য ENT রেফার দেওয়া হয় এবং সেই স্যাম্পল পাঠানো হয় মাইক্রোবায়োলজি ল্যাবে। তাকে তার ডায়াগনোসিস হয় যে মিউকোমাইকোসিসেও তিনি আক্রান্ত, আর তার কোভিড তো রয়েছে, কোভিড নিউমোনিয়া। তো খুবই ক্রিটিক্যাল শুরুর থেকেই ছিলেন। कोरोना को लेकर मंत्री परेश अधिकारिणी की प्रशासनिक बैठक, वैक्सीनेशन पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उत्तर बंगाल के विभिन्न जिलों में कोरोना वायरस के हालातों का जायजा लेने के लिए राज्य के शिक्षा राज्य मंत्री परेश अधिकारी अलीपुरद्वार जिले में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक में शामिल हुए थे। अलीपुरद्वार के सर्किट हाउस में आयोजित इस बैठक में जिलाधिकारी, SP समेत प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद थे। मंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों से अलीपुरद्वार जिले में कोरोना के वर्तमान हालातों की जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने टीकाकरण के बारे में भी जिलाधिकारी से बातचीत की। मंत्री परेश अधिकारी ने प्रशासनिक अधिकारियों से कोरोना की रोकथाम में किसी तरह की दिक्कत अथवा राज्य सरकार से कोई गुजारिश के बारे में भी पूछताछ की। मंत्री ने कहा, जिले की ओर से राज्य सरकार से कोरोना समस्या से निपटने के लिए और अधिक पैसे की मांग की गई है।
যারা ভেঞ্চার লোক সমাজের বিভিন্ন স্তরে, এমনকি যারা দোকানদার, এইসব সব দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু অনেকে বলছে যে এদের বাড়ির লোকগুলি পাচ্ছে না, একটা সেকশন পাচ্ছে, একটা বাড়ির লোক পাচ্ছে না। তা আমাদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এটা নিয়ে তাড়াতাড়ি হয়েছে, সেকেন্ড ফার্স্ট ডোজটা হয়ে গেল, সেকেন্ড ডোজের সময় হয়তো আমাদের খবর চলে আসবে। এদেরকে দেওয়ারও ব্যাপার নিয়ে চিন্তা না, যে কীভাবে এদেরকে দেওয়া যায়, এটা একটা পর্ব। দ্বিতীয় পর্ব হলো আমাদের রাজনীতিগতভাবে এখানে যারা নেতারা আছেন তাদেরকে আমাদের কুচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং সব জায়গাতেই আমরা একটা বার্তাই পৌঁছাচ্ছি। বিজেপি যে পথেই হাঁটুক না কেন, আমাদের কর্মীদের সংগ্রহ থাকে সেখানে, যাতে কোনো রকম কোনো সংঘাত বা ইয়ে হতো না। এই দুইটা বার্তা বিষয় নিয়ে মূলত আলোচনা করে, এখানে অন্য কোনো কারণে আমার আসে না। শুধু নির্বাচন পেরিয়ে যাওয়ার পরে আর হয়ে গেল, তারপরে অবস্থাটা কোন জায়গায় এটি একটু টেলিফোনের মধ্যে দিয়ে না, নিজে এসে তাদের সাথে কথা বলে আমার তো, আমি তো আশ্বাস দেওয়ার মালিক না, তাদের বার্তাটা নিশ্চয়ই আমার মধ্যে পড়ছে। কতটা চাইছে কি সেটা তারা বলছে, যে আমরা ইতিমধ্যেই আমাদের এখানকার ডিমান্ডের কথাটা তারা জানিয়েছেন অফিসিয়ালি। আমার মতে কি যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, যতটা পরিমাণে চেয়েছি তা না পেলেও আমরা যতটা চেয়েছি তার থেকে বেশি জানি, সেই পরিমাণটা অফিসিয়ালি তারা জানিয়েছে। আচ্ছা, আমাকে বলছে যে আমরা যেটা চেয়েছি তার সেরকম পরিমাণে যদি পাওয়া না, তা আমরা নিশ্চয়ই সে বার্তাটা পাঠাবো। আগামী 5ই জুন রাজ্যে আমাদের মাননীয় নেত্রী তিনি একটা মিটিং ডেকেছেন, মিটিংটার বিষয়বস্তুই হচ্ছে সাংগঠনিক পরিকাঠামো কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা, সমগত কিছু রদবদলও করা, তারপরে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করা। সেই আলোচনাগুলির মধ্যেই উঠে আসবে এখানকার জেলার যিনি মূল দায়িত্ব নিজের উনিও নিশ্চয়ই সেই মিটিংয়ে উপস্থিত থাকবেন, আমরা তো থাকব। সেখানে আলোচনা হলেই আমরা বুঝতে পারবো যে সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে কী হতে যাচ্ছে বা কী। सफाई कर्मियों को दिया गया रेनकोट। मुख्य प्रशासक गौतम देव ने की वैक्सीन लेने की अपील। सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के अध्यक्ष गौतम देव ने बुधवार को सिलीगुड़ी नगर निगम के 47 नंबर वार्ड के सफाई कर्मियों को रेनकोट प्रदान किया। इस अवसर पर गौतम देव ने कहा, कोरोना महामारी के बीच सफाई कर्मी अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात लोगों की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, उनके सेवा कार्य से शहर साफ सुथरा रहता है। गौतम देव ने कहा कि सफाई कर्मियों के काम में सुविधा के लिए आज उन्हें रेनकोट प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने सभी सफाई कर्मियों को कोरोना की वैक्सीन लेने का आग्रह किया। इसके साथ ही उन्होंने सफाई कर्मियों से नियमित रूप से मास्क पहनने एवं सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने का अनुरोध भी किया। ये अपने ज्यादा टीकाकरण है नहीं এখনো আপনারা সবাই ভ্যাকসিন নিয়ে নিন। আমরা কিন্তু আমি কিন্তু নিয়েছি এবং এখানে অনেকেই হয়তো এই টিকাটা নিয়েছে, এটা খুবই জরুরি। এই টিকাটা দিলে অন্তত পক্ষে কোভিডের কাছ থেকে কিছুটা দূরে আপনারা সাময়িকভাবে হলেও থাকতে পারবেন। যারা যাদের টিকাকরণ হয়নি আপনারা কর্পোরেশনে যোগাযোগ করুন, জরুরি ভিত্তিতে আপনাদের আমরা ভ্যাকসিন টিকা আমরা দেবো, এটা নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু, আপনারা সবসময় মাস্ক পরবেন, স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন, কিছু না হলে বাড়িতে সাবান জল দিয়ে ভালো করে হাত পা মুখ এগুলো ধুয়ে নিন। আমরা কর্পোরেশন থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে সমস্ত সাফাই কর্মীদের আমরা গামবুট, গ্লাভস, মাস্ক আমরা তাদের বর্ষাতি সমস্ত সাফাই কর্মীদের আমরা এটা দিচ্ছি। কিন্তু কর্পোরেশন তো একটা সেট দেবে, সেই সেট নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে আপনারা অনেক সময় অনেকেই সেগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করেন না। সঠিকভাবে এটা ব্যবহার করতে হবে, কাজ তারা হাওয়াই ছবি খালি পায়ে কাজটা করেন, সেটা গাম্বুট বা জুতো পরে এটা করলে অনেক ভালো হবে। তার আগে চেষ্টা করলাম যে বর্ষা এসে গেছে দেখে কর্পোরেশন থেকে দেওয়া শুরু হবে, কিন্তু তার আগে বর্ষাটি একটু আপনাদের দেওয়া জরুরি ছিল। আমরা দুটো ওয়ার্ডে দিয়েছি, 10 নম্বর ওয়ার্ড, 13 নম্বর ওয়ার্ড, আজকে 17 নম্বর ওয়ার্ডেও
যেটা আপনাদের দিলাম, পাঁচজন মহিলা কর্মী আছেন, তাদের জন্য রেনকোট আর বাকি পুরুষদের জন্য বিভিন্ন সাইজ অনুযায়ী আমরা দিয়েছি, আমি কয়েকটা দিচ্ছি, তারপর তাদের সাইজ অনুযায়ী এখানে মাস্ক করা আছে, এগুলো দিয়ে দিন, এগুলো বর্ষার দিনে আপনারা ব্যবহার। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया रात्रि एम्बुलेंस सेवा, सांसद ने किया शुभारंभ, केंद्र में मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर उठाया गया कदम। केंद्र में भाजपा सरकार की 7वीं वर्षगांठ के अवसर पर भाजपा ने सिलीगुड़ी में रात्रि एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। गौरतलब है कि मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर पार्टी की ओर से देश भर में सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। सेवा सप्ताह के अवसर पर सिलीगुड़ी में भाजपा पार्टी कार्यालय के सामने जरूरतमंदों के लिए रात्रि एम्बुलेंस और ऑक्सीजन सेवा का शुभारंभ किया गया। यह सेवा सप्ताह कोरोना मरीजों एवं उनके परिवार वालों के सुविधार्थ के लिए शुरू की गई है। सिलीगुड़ी के भाजपा विधायक शंकर घोष ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों को यह सेवा मुहैया कराई जाएगी। दार्जिलिंग के सांसद राजू बस्टा ने पार्टी कार्यालय के सामने भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिखाकर रात्रि एम्बुलेंस का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सांसद राजू बस्टा, विधायक शंकर घोष, भाजपा नेता नांटू पाल समेत भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। 20 तारीख से लगातार 7 दिन तक हम सब लोग सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं और मुझे लगता है कोविड के संकट के समय में कोई जश्न नहीं हो सकता, इस समय सेवा ही हो सकती है। पर हमारी संगठन की भी मूल मंत्र यही है कि सेवा ही परम धर्म, और उसी के अंतर्गत आज सिलीगुड़ी सांगठनिक भारतीय जनता पार्टी जिला की ओर से नाइट एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत हो रही है। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं रात्रि में एम्बुलेंस मिलना बहुत कठिन रहता है, बहुत लोगों की शिकायत रहती थी, तो रात को 11 बजे से लेके सवेरे 6 बजे तक ये एम्बुलेंस सर्विस उपलब्ध रहेगी सिलीगुड़ी की जनता के लिए। और उसके साथ साथ 10 ऑक्सीजन सिलेंडर किसी को भी आवश्यकता होगी तो उनके घर तक पहुँचाने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी संगठन की ओर से होगा। और साथ ही जैसा आपको शंकर दा ने बताया, 2 10 लीटर के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ये भी बड़ी उपयोगी होगी, जन जन तक लोगों को जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ तक पहुँचाने का हम काम करेंगे। मैं एक बार फिर अपनी ओर से, सांसद की ओर से, भारतीय जनता पार्टी जो सांगठनिक जिला है सिलीगुड़ी, उनके सभी कार्यकर्ता नेतागण और सारे मोर्चा के लोग, चाहे महिला मोर्चा हो, युवा मोर्चा, उन सबको बधाई देता हूँ। और मुझे लगता है कि हम सरकार में न होते हुए भी आज आप देख सकते हैं, चाहे पहाड़ हो, चाहे तराई हो, चाहे सिलीगुड़ी हो, चाहे शहर में हो, चाहे गांव में हो, दिन रात हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग, मैं स्वयं, हम लोग दिन रात जो है अलग अलग स्थानों पे जा रहे हैं। मैं कल जो है एकदम सुदूर भूटान बॉर्डर वहाँ तक गया था, जलडाका गया था, बिंदु गया था, गुरुबथान गया था, आज मैं मेरी सौरनी और पानीघट्टा होते हुए अभी सिलीगुड़ी पहुँचा हूँ। तो कई दिन से लगातार मैं भी प्रयास में हूँ, प्रवास में हूँ, हमारे सब कार्यकर्ता नेता भी प्रवास में हैं, और मैं ऐसा दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज जो सत्ता में है उससे ज़्यादा काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता विपक्ष में होते हुए भी उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं। एक कार्य साथी भारतीय जनता पार्टी, हमारा हमारे प्रतिदिन का जो काज, विशेष कर कोविड महामारी, से क्या কেন্দ্রীয় সরকারের সপ্তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ভারতীয় জনতা পার্টির তথা এনডিএ সরকারের সপ্তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আমরা ইতিমধ্যেই সেবা সপ্তাহের কাজ শুরু করেছি। আপনারা জানেন যে ধারাবাহিকভাবে এই সেবা সপ্তাহের কাজ আমরা চলছে। স্যাফরন কেয়ার এবং গৌরিক সেবা নাম করে আমাদের যুব মোর্চা, মহিলা মোর্চা থেকে শুরু করে অন্যান্য মোর্চা, তারা এই কাজে সহযোগিতা করছেন। এবং আমরা খুশি যে আমাদের দার্জিলিং জেলার সাংসদ মাননীয় রাজু বিশ মহাশয়, যিনি দীর্ঘদিন ধরে সাংসদ হিসাবে তার ভূমিকা পালন করছেন, আপনারা শুনলে খুশি হবেন যে এই সময়কালে যে অক্সিজেনের সংকট বা অক্সিজেন নিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল সেটাকে দূর করবার জন্য তিনি প্রায় 1 কোটি টাকার মূল্যের কনসেন্ট্রেটর আমাদের জেলার বিভিন্ন সাবডিভিশনে, ব্লক হসপিটালে এবং গ্রামীণ হসপিটালে তিনি দিয়েছেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এমন একজন সাংসদ
যিনি তার জেলার মানুষের জন্য প্রতিনিয়ত একদিকে যেরকম ভ্যাকসিন নিয়ে আছে কথাবার্তা থেকে বলা থেকে শুরু করে মানুষের সমস্যা নিয়ে তিনি কাজ করছেন, সেই কাজকে সামনে রেখেই আমরা শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্যোগে আজকে আমি আবার বলি, বিরোধী রাজনৈতিক দল মানেই বিরোধিতা নয়, বিরোধী রাজনৈতিক দল মানে বিকল্প পথের সন্ধান। আমরা যে প্রশ্নগুলি এখানে আমি আনন্দ শিখাদি একদিন ধর্ণায় বসেছিলাম, তারপরে শিলিগুড়ির কোভিড পরিস্থিতির চেহারা অনেকাংশে মানুষের বদলেছে, কিছু কাজ হয়েছে, কিছু ক্ষেত্রে প্রশাসন করতে পারেনি, কিন্তু আমরা প্রতিদিন প্রশাসনের পাশে থেকে বিকল্প একটা রাস্তা আমরা দেওয়ার চেষ্টা করি। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जिप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जिप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away, international furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50-70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किम को अनुपम उपहार संजीवनी, विश्व के पहिलो कीटनाशक औषधि जिसको एक स्प्रे भैक्सिन सर काम कर फसल में लगने विभिन्न भाइरस बैक्टीरिया र फंगस बाट होने समस्त रोग पात को रस चुस्ने क्रिया समेत नियंत्रण कर जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस् रोग कुनै पनि होस् एक पल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। संजीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरुको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in. At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. Call us at 9911546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है, तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें ए से जेड तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें ए से जेड तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम, घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, शुरू करते हैं खबरें। 20 महीने बाद खुला तोरसा चाय बागान, श्रमिकों के चेहरे खिले। कोरोना महामारी के बीच अलीपुरद्वार जिले के तोरसा चाय बागान के श्रमिक मुस्कुरा रहे हैं। दरअसल 20 महीनों के बाद डुवर्स के कालचीनी ब्लॉक स्थित तोरसा चाय बागान बुधवार को फिर से खुल गया। बोनस की समस्या के कारण अक्टूबर 2019 में तोरसा चाय बागान को बंद कर दिया गया था। मंगलवार को सिलीगुड़ी संयुक्त श्रम अधिकारी कार्यालय में आयोजित त्रिपक्षीय बैठक में तोरसा चाय बागान को दोबारा खोलने का निर्णय लिया गया। चाय बागान के खुलते ही बागान के श्रमिक एवं कर्मचारियों के चेहरे खिल उठे। आज बागान खुलते ही श्रमिक एवं कर्मचारी काम करने पहुंचे। चाय बागान खुलने के अवसर पर अलीपुरद्वार जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष मृदुल गोस्वामी, तृणमूल नेता सौरव चक्रवर्ती, पास संगलामा, अलीपुरद्वार के सांसद जॉन बारला और तृणमूल तथा भाजपा के अन्य नेता बागान में मौजूद थे। चाय बागान के जनरल मैनेजर रूपेंद्र सिंह रनावत ने कहा कि बागान कर्मियों की दो किस्त की राशि बकाया है, जिनका भुगतान इसी महीने कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा 2019 का पूजा बोनस का भी भुगतान इस महीने किया जाएगा। सेटलमेंट बोनस पाना छो बचर 18-19 सेटलमेंट हो 31st जुलाई मध्य बोनस पेमेंट करसेंटेजा सेटल हो गलो और एक वेजिसर पार्ट पाना छो 5 तारीख मध्य 5 जून मध्य पावे देवा हो जाए और एक अनवेजिस लीव वेजिस बाकी छो 30 जून मध्य पेमेंट करा हो जाए यटाई तीन टाइम पेमेंट बाकी अन्य को पेमेंट बाकी छो ना तो देना पड़ना सब क्लियर आज एडिशनल लेबर कमिश्नर के द्वारा एक मीटिंग कॉल किया गया था और सिलीगुड़ी में जाके कल दो यूनिट बैठ के वहाँ पर बैठ के हमने फैसला किया और आज ही खुलने का बात है और आज खुल गया और सब लेबर साहब आप देख रहे हैं काम शुरुआत हो गया, पूरा जंगल झाड़ हो गया था 2 साल से, तो बहुत खुशी की बात है। आज इसीलिए आगामी दिन मैनेजमेंट और लेबर मिल के काम करें और सुंदर बनाए, यही चाहता हूँ कि लेबर इतना दिन से दर बर भटक रहा था, इधर सामने भूटान भी बंद था, काम दाम नहीं मिल रहा था, कोई दूसरा राज्य प्लान हो गया था, फिर दोबारा आके फिर से काम किया था, यही जिला शांति पूर्वक से बगान है ना खुल के काम। गली मोहल्ले को सैनिटाइज कर रही है आमादेर गोली नामक संस्था। जलपाईगुड़ी शहर में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सैनिटाइजेशन पर जोर दिया जा रहा है। जलपाईगुड़ी शहर में कोविड पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है। आमादेर गोली अर्थात हमारी गली नामक संगठन ने गली मोहल्लों को सैनिटाइज करने का अभियान शुरू कर दिया है। बुधवार को शहर के 2 नंबर वार्ड स्थित रक्तियापाड़ा को सैनिटाइज किया गया। संगठन की ओर से आशीष चक्रवर्ती ने कहा, हमने पिछले कुछ दिनों में शहर भर में स्वच्छता का काम शुरू किया है। हमने अस्पताल समेत विभिन्न कोविड मरीजों के घरों को सैनिटाइज करने का काम किया है। आज भारतीय खेल प्राधिकरण के परिसर को सैनिटाइज किया गया, साथ ही कोविड पीड़ितों के घरों को भी सैनिटाइज किया गया। उन्होंने कहा कल भी शहर के अलग अलग स्थानों को सैनिटाइज किया जाएगा। उन्होंने कहा सैनिटाइजेशन के साथ साथ संस्था की ओर से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री भी प्रदान की जा रही है। हिमालयन गुड न्यूज नेटवर्किंग मिनिस्ट्री की ओर से सिलीगुड़ी के 7 गैर सरकारी संस्थाओं और सिलीगुड़ी नगर निगम को वित्तीय सहायता दी गई है। साथ ही हिमालयन गुड न्यूज नेटवर्किंग मिनिस्ट्री की ओर से विभिन्न सामग्रियों को भी प्रदान किया गया। हिमालयन गुड न्यूज नेटवर्किंग के सदस्यों ने सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासक मंडली के प्रमुख गौतम देव के हाथों में उक्त वित्तीय सहायता राशि प्रदान की। कोरोना संकट काल में संस्था के निर्देशक दावा सिंह भूटिया ने सभी को साथ लेकर काम करने की बात कही। इस दौरान समाज सेवी पिकाई दत्ता, रानी रहा समेत अन्य सदस्य उपस्थित थे। आज के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।